कुल्लू जिला में लगातार भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वन परिवहन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं तथा राहत व बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मंत्री ने भूंतर नगवाई जिया अखाड़ा बाजार वाशिंग लुंगड़ भट्टी और ब्यास नदी के किनारे कुल्लू व मंडी जिला के अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। वन मंत्री झिड़ी में ब्यास नदी में बही एक लड़की के परिजनों से भी मिले और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लगातार संपर्क में हैं। बहनों और भाइयों, आप सभी को नमस्कार। गत 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में जो भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, पूरे प्रदेश में तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ब्यास नदी वो पलचान से लेकर के और तक बहुत अधिक नुकसान हुआ है और जिसके कारण से मनाली शहर को भी खतरा पैदा हो गया है। वाहन के लिए खतरा है, आलूगांव प्लाट पत्रिकुल और रायसन का कुछ क्षेत्र और उसके पश्चात बंदरोल हो गया, कुल्लू शहर है, भुंतर है, भजौरा है, ऐसे अनेक क्षेत्रों को जो है खतरा पैदा हो गया है। और इसलिए कि ऐसे में मैं सभी से निवेदन ये करता हूँ कि एक तो हिम्मत से काम लें और संयम से काम लें और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस सारे काम को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई रेस्क्यू में कोई कमी ना रहे। और पिछले कल हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के यानी कहने पर बहुत अच्छा एक एयरफोर्स के माध्यम से जो रेस्क्यू किया गया है, तो मैं उसमें एयरफोर्स के नौजवानों को भी बहुत बधाई देता हूं कि हमेशा हमारे देश के जो सैनिक हैं हर आपदा में, चाहे सीमा पर है चाहे कोई ऐसी आपदा है, बहुत जबरदस्त तरीके से जो पूरे देश की सेवा करते हैं। और कल भी जिस तरह से जिला सहारनपुर से लगती बारिश में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आया और भूंतर से गए और लगती बारिश में 19 लोगों के जीवन को बचाया और आज प्रातःकाल 2 लोगों को भजौरा के पास बचाया। दुखद घटना है कि एक 14 साल की बच्ची भजौरा में पानी में बह गई है, कुछ घर बह गए हैं। और इसलिए मैं सावधानी के लिए सभी को आग्रह करता हूँ कि कोई भी नदी के किनारे रेत बजरी या लकड़ी उठाने के लिए ना जाए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है, वर्षा बहुत भयंकर तरीके से पड़ रही है। और इसलिए अभी जहां तक ये लगता है कि हमारी सरकार भी पूरा ध्यान रख रही है और हम खुद पूरे इलाके में औक से लेकर के मनाली पलचान तक हर जगह पर जहां जहां की स्थिति है वहां जा रहे हैं, जो नुकसान है उसका भी जायजा ले रहे हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल सब संयम से और हिम्मत से सभी लोग जो है ध्यान रखें। हमने बहुत कुछ दिन पहले ही हमने पत्र लिख करके गृह मंत्रालय को हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि 200 करोड़ रुपए हमको जो है वो जारी करें इमीडिएट असिस्टेंस के रूप में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं आया है। आज हम दोबारा बात करेंगे। सर, लाहौल स्पीति का भी संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है, बिजली पानी वहां पूरी तरह से बाधित है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस भारी बारिश के कारण जो है कुल्लू मनाली में खासतौर से वहां बहुत ज्यादा दिक्कत आई है, चंबा में भी बहुत जगह दिक्कत आई है और लाहौल स्पीति में भी जहां जनरली जो है बरसात के मौसम में बारिश होती नहीं थी। अब की बार ये बहुत हैरानी वाली बात है कि वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और वो हमारे लिए चिंता का विषय है। और लाहौल स्पीति में तो बारिश होने का अभिप्राय ये होता है कि सड़कें तो फिर वहां पर बचती नहीं है, सड़कें बहुत डैमेज हो जाती हैं क्योंकि वहां की टोपोग्राफी जियोग्राफिकल जो सारी कंडीशन है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां की, उसके कारण इस प्रकार की परिस्थिति होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम सारी बातों को गंभीरता से लेकर के जितना भी सरकार से संभव हो पा रहा है राहत कार्य विभिन्न स्थानों पर जो है वो करने की जहां बातें थी वो चली हुई है। और उसके साथ एहतियात के तौर पर जो है हमने हिमाचल प्रदेश में यही कहा है कि जो हिमाचल के लोग वो सारी परिस्थितियों से काफी हद तक अवगत हैं, अच्छा रहेगा कि अभी आने वाले समय तक जब तक ये मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट नहीं हो जाता कि बारिश अब रुक जाएगी, जब तक मौसम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक के लिए अपने स्थानों पर जहां सुरक्षित हैं वो वहां पर बने रहें, वहां से हट करके अपनी आवाजाही को अगर रोक सके
तो उसको रोकने की कोशिश।